डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में, यानी कि एनसीईआरटी क्या होता है और एनसीईआरटी की सभी बुक यानी ऑल कक्षा एक से लगाकर 12 तक की बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विद पीडीएफ के साथ। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। काफी अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे कि एनसीईआरटी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे। बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको विद प्रूफ के साथ यहाँ पर बता दूंगा। तो आप सभी को पता है कि चैनल पर क्वालिटी वीडियो के साथ प्रूफ भी मिलता है, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो नो टेंशन, आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे और आप एनसीईआरटी का सिलेबस बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, किस वैसे तो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर हजारों एप्लीकेशन एप्स मिल जाएंगे, बट हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डाउनलोड नहीं करेंगे। हम ऑफिशियल एनसीईआरटी वेबसाइट से ही एनसीईआरटी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। एनसीईआरटी का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर तो होगा ही, क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर देना है। कैसा होता है क्रोम ब्राउजर, किसी को पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है क्रोम ब्राउजर, ये देख लीजिए आप, पूरा का पूरा यही क्रोम ब्राउजर है। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है, सर्च करना एनसीईआरटी सर्च, टाइप करने के बाद सीधा सर्च कर देना है। सिंपल आपको सर्च थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये फर्स्ट वेबसाइट आ रही है एनसीईआरटी, देखिए #ncert.nic.in, आपको इधर सर्च कर देना है। सर्च करते ही कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ एनसीईआरटी क्या होता है। एनसीईआरटी नेशनल लेवल का सिलेबस होता है, यानी भारतीय स्तर पर सिलेबस होता है, और ये भारत के कई राज्यों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जब बीजेपी सरकार आती है तो वो उनका आरबीएससी बोर्ड का सिलेबस लागू करती है, और कांग्रेस सरकार आती है तो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करती है। अब एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब आपको बुक कैसे डाउनलोड करनी है, थोड़ा सा आपको नीचे की तरह स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये जो टेक्स्ट बुक लिखा गया है देखिए TEXTBWK ये लिखा गया है, टाइप करना है। टाइप करते ही कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, धीरे धीरे नीचे आना है। यहाँ पर कुछ चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ बीच दो नंबर वाला जैसे रिमोट टाइप दिखाई दे रहा है, ई बुक्स लिखा है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद देखिए आपको ये कुछ दिखाई देगा ई बुक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये जो पीडीएफ दिखा, अपन को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। आपको पीडीएफ क्लास 1 से 12 पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर समझने वाली बात है, आसानी से समझेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया है, कुछ नीचे इस तरीके का पेज ओपन होगा और ऊपर दिया गया है सेलेक्ट क्लास। आपको क्लास सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। यहाँ पर आप जिस क्लास से हैं वो क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए क्लास 12 को सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर, तो इस पर हम जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ गई मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अकाउंटेंट, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकली, साइकोलॉजी, कुछ इस तरीके से आ गई। अपन को क्या करना है, मैं एग्जांपल के लिए हिंदी का डाउनलोड कर सकता हूँ। हिंदी की बुक्स मैंने सर्च कर दी, टाइप कर दी। फिर यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट बुक टाइटल, यानी आपकी बुक का टाइटल क्या है। तो इस पर देखिए, ये पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हिंदी है जो हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य भी है और हिंदी कंपल्सरी भी है। तो यहाँ पर देखिए हम हिंदी कंपल्सरी डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतरा है जो हिंदी साहित्य है, और अंतरा भाग 2 और वितान हिंदी कंपल्सरी, और आरओ है वो हिंदी कंपलसरी है। तो हम आरओ पर सर्च करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे देख, थोड़ा सा नीचे देखिए गो का ऑप्शन है, गो के ऑप्शन पर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही गो के ऑप्शन पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी बुक्स का कवर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बुक्स का कवर आ गया, देखिए आरओ भाग 2 कक्षा 12 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पर देखिए चैप्टर आ गए आपके, टोटल चैप्टर आपके 18 चैप्टर है। तो आप सेप्टर वाइज भी इसे देख सकते हैं, और मैं आपको पूरी की पूरी बुक ही डाउनलोड करके बताऊंगा। अब देखिए
आप चाहते होगे कि राजस्थान बोर्ड का सिलेबस, बट देखिए राजस्थान में इस बार 2022 में चेंज हो रहा है सिलेबस, 10वीं और 12वीं यानी बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस चेंज हो रहा है। वैसे देखिए इसमें जो कवर दिया गया है वो राजस्थान की 2022 में जो सिलेबस आएगा उसमें ये ऊपर का कवर नहीं होगा, वहाँ पर राजस्थान द्वारा नया कवर चढ़ेगा, बल्कि अंदर मसाला आपका वही होगा जो यहाँ पर है, मसाला पूरा का पूरा वही होगा, मतलब चैप्टर वही होंगे, कवर चेंज होगा, राजस्थान का कवर लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, विजय स्तंभ हो गया कुछ इस तो नीचे राजस्थान का पाठ्यक्रम आएगा। फिर ये वैसे NCERT है पूरे नेशनल लेवल, यानी कि पूरे इंडिया के कहीं राज्यों में चलता है, कहीं राज्य स्टेट है वहाँ पर NCERT सिलेबस चलता है। अब यहाँ पर आपके देखिए चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज देख सकते हैं, अपन को पूरी की पूरी बुक ही डाउनलोड कर देते हैं, तो थोड़ा सा देखिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जूम करना है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीट बुक, यहाँ पर सिंपल आपको टाइप कर देना है। टाइप करेंगे तो देखिए नीचे कुछ लिखा आया है डाउनलोडिंग फाइल, यानी कि यहाँ पर ये आपकी फाइल है, फाइल होती है वहां पर ये डाउनलोड हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ तो ये देखिए हमारी फाइल है वो डाउनलोड हो रही है और ये कुछ ही मिनटों में डाउनलोड हो जाएगी, तो कुछ ही मिनटों में ये डाउनलोड, ये देखिए हमारी डाउनलोड हो गई, ये जो बुक की PDF है वो आपके PDF फाइल में डाउनलोड हो चुकी है, वहां से आप उसको रिसर्विस करके आप उसे देख सकते हैं आराम से। वैसे हम एग्जाम्पल के लिए किसी चैप्टर को PDF, कोई चैप्टर की PDF अपन डाउनलोड करें तो यहाँ पर चैप्टर वाइज भी आप कर सकते हैं, रोज का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ही आएगा, यहाँ पर देखिए PDF, अब आपको यहाँ पर ओपन पर सर्च करना है, फिर यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड कर देते हैं हम इसे, तो ये देखिए हमारी PDF है वो डाउनलोड हो चुकी है। देखिए काव्यखंड ये चैप्टर फर्स्ट है, यानी बहादुर शाह जफर ये चैप्टर फर्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन का, तो ये आप पूरा परिचय है, कवि परिचय वगैरह ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं आपके एग्जाम की, इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी तक बुक्स यानी कि NCERT की बुक्स राजस्थान में 2022 में चेंज हो रही है 10वीं और 12वीं बोर्ड की बुक से, जो NCERT सिलेबस लागू कर दिया जाएगा वो NCERT बुक जल्दी सब जाएंगी आपके सब जाएंगी NCERT बुक और जल्दी मार्केट यही रहने वाला है इस बुक्स का, यानी NCERT सिलेबस का अंदर का मसाला यही रहने वाला है। राजस्थान बोर्ड में ये पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा और राजस्थान बोर्ड का ऊपर कवर लग जाएगा, यानी राजस्थान का कवर यहाँ पर लग जाएगा, बाकी पूरा का पूरा आपका चैप्टर वाइज मसाला यही रहने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको राजस्थान बोर्ड के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट और इसी तरह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। अगर आपका कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, अगर कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम bower23 या फिर आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।